और आज हम बात करने वाले हैं मीशो ऑनलाइन सप्लायर जो सेलर होता है, हमें उसमें कैसे किस टाइप से हमें प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी है। मैं आपको ए टू जेड प्रोसीजर बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो पूरा देखना। आपको सबसे पहले तो मीशो का जो पैनल है उसमें हमें जाना है, जो भी उसकी वेबसाइट है। हाँ तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हो, आपको सबसे पहले तो गूगल क्रोम ब्राउज़र पे आना है, ऊपर टाइप करना है मीशो सप्लायर लॉगिन। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है आपको, मीशो सप्लायर पैनल जो आपको दिख रहा है, हमें इस पर क्लिक करना है। हाँ तो दोस्तों, जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आपको लिखा है अपलोड सिंगल कैटलॉग, अपलोड कैटलॉग इन बल्क। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन है आपके होम ऑर्डर रिटर्न इन्वेंट्री पेमेंट कैटलॉग अपलोड। अब जैसे ही आप बिगिनर हो, अगर आप न्यू स्टार्ट कर रहे हो सेलर अकाउंट से, तो आपको अपना सजेशन, आपको सिंगल कैटलॉग से ही आप स्टार्ट करो। बल्क में आप जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस इसमें बढ़ेगा, तो आप इसमें बल्क में भी कर सकते हो। तो हम इसको आज सिंगल कैटलॉग कैसे बनाते हैं, हम उस पर मैं आपको बताने वाला हूँ। हम इस पर क्लिक करेंगे। आप जैसे ही इस पर क्लिक करते हो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको पता ही है कि हमें कैटेगरी चॉइस करनी पड़ती है, आपका प्रोडक्ट किस कैटेगरी से रिलेटेड है। अब यहाँ पे हम आपको कैटेगरीज यहाँ पे आपको दिखाई जाएगी, बुक्स। अब यहाँ पे आपको डायरेक्ट आप सर्च भी कर सकते हो आपके प्रोडक्ट का नाम, जैसे मैं सर्च कर देता हूँ। देख सकते हो आप लोग, मैंने होम एंड लिविंग कर्टन, हम इस पर क्लिक करेंगे। फिर आपका कौन सा कर्टन है, कर्टन एंड शीट, आपका जिस भी टाइप का प्रोडक्ट हो, आपको जस्ट फिर यहाँ पे आपको एक ऐड अ प्रोडक्ट इमेज पे क्लिक करना है। हाँ तो दोस्तों, एग्जांपल के तौर पे मैं ये इमेज ले लेता हूँ, हम इसको ओपन करेंगे। फिर हमें कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करोगे दोस्तों, अब हमें यहाँ पे ऐड इमेजेस, एक प्रोडक्ट की और इमेजेस हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आपको जब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको ऐड नहीं करना है, आपको यहाँ पे इमेजेस अपडेट करनी है जो भी है। फिर आपको यहाँ पे मीशो प्राइस, आपका प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, उसका मेन MRP क्या है, यहाँ पे हमें डालना है। फिर आपका जो भी प्रोडक्ट है उस पर GST कितने परसेंट लगता है, आपको यहाँ पर डालना है। फिर आपका HSN कोड, यहाँ पे आपका जो भी प्रोडक्ट का HSN कोड होगा, हमें यहाँ पे डालना है। HSN कोड के रिलेटेड मैं वीडियो अलग से एक डाल दूंगा कि HSN कोड हमें कैसे मालूम करना है। फिर हमें प्रोडक्ट वेट हमें यहाँ पे डालना है, आपका जो भी प्रोडक्ट होगा उसका वेट कितना है। फिर यहाँ पे स्टाइल कोड, प्रोडक्ट ID, ये ऑप्शनल है, हम इसको ऐसा छोड़ भी सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेशन दूंगा कि इस पर हमें कुछ ना कुछ लिखना है। आप खुद से लिखो, नहीं तो मीशो ऑलरेडी अपने तरफ से कुछ ना कुछ ऐड कर देता है उसमें। हम यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं, प्रोडक्ट का नेम। फिर नीचे हम आएंगे, हमें यहाँ पे प्रोडक्ट नेम डालना है। आप प्रोडक्ट टाइटल जो भी डालोगे अच्छे से डालना। फिर डिस्क्रिप्शन हमें यहाँ पे डालना है। फिर उसका साइज़ जो भी है हमें यहाँ पे उसका साइज़ डालना है। फिर हमें यहाँ पे उसका लेंथ डालना है। फिर मटेरियल, फिर मल्टी पैक, आप लोग ध्यान देना, मल्टी पैक में आप वन ही रखो, आपकी ओपेसिटी, प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, कंट्री ओरिजिन, यहाँ पे हमें इंडिया लिखना है। फिर मैन्युफैक्चर डिटेल्स, फिर पैकर डिटेल्स, फिर आपका जो भी ब्रांड है वो ब्रांड का नाम डालना है। प्रिंट पैटर्न टाइप, सेट टाइप, फिर आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट डिटेल्स टाइप। हमें यहाँ नीचे का जो ऑप्शन है, आप इसको एडिटिस छोड़ भी सकते हो। आपको जो यहाँ पर रेड कलर का मार्क दिख रहा है, हमें उसे ही फिलअप करना है। ऑप्शनल में आप जो भी, अगर आप ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो। फिर हम नीचे आएंगे, यहाँ पे हमें ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है। आपका जो भी कैटलॉग होगा अपलोड हो जाएगा, लाइव हो जाएगा मीशो वेबसाइट्स पे। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, मैं और एक अच्छा से वीडियो बनाने वाला हूँ मीशो के ऊपर, पूरा ओवरऑल ए टू जेड प्रोसेस पर आपको बताऊँगा।
स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक का पूरा प्रोसीजर, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।